2019 लोकसभा चुनाव पर क्यों है चीन की पैनी नजर? आखिर 2019 चुनाव को लेकर चीन ने क्या दावा किया है? आगामी लोकसभा चुनाव के नतीजे कैसे होंगे? मोदी सत्ता पर फिर से काबिज हो पाएंगे या नहीं? क्या समय से पहले लोकसभा चुनाव होंगे? इसको लेकर देश में अटकलों का दौर जारी है, लेकिन आगामी चुनावों और उसके नतीजों को लेकर भारत के पड़ोसी देश चीन में भी चर्चा का बाजार गर्म है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की लोकप्रियता दिन ब दिन घटती जा रही है। इतना ही नहीं, इस लेख में भारत में समय से पहले ही आम चुनाव होने का अनुमान जताया गया है। रविवार को प्रकाशित हुए इस लेख में कहा गया है कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं के अलावा नोटबंदी और GST जैसे आर्थिक नीतियों के असफल होने की वजह से बीजेपी की लोकप्रियता में खासी कमी आई है। शिन्हुआ के लेख के मुताबिक हर बीतते दिन के साथ बीजेपी की लोकप्रियता कम हो रही है, इसलिए आम चुनाव समय से पहले कराए जा सकते हैं। इस लेख में हाल ही में कई बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार में हुए लोकसभा उपचुनावों में मिली हार को भी बीजेपी के अलोकप्रिय होने के सबूत के तौर पर देखा गया है। उपचुनावों में बीजेपी उम्मीदवारों की हार का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि देश के वोटरों का अब पार्टी से मोह भंग हो रहा है। इतना ही नहीं, इस लेख में आशंका जताई गई है कि बीजेपी को आने वाले दिनों में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ सकता है। इस लेख में कई उन भारतीय सर्वे एजेंसी के सर्वे का उल्लेख किया गया है जिसमें पीएम मोदी की लोकप्रियता में कमी आने की बात कही गई है। हालांकि बीजिंग में मौजूद भारतीय राजनीति के विश्लेषकों को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि अब की बार मोदी पहले से कमजोर स्थिति में पर लौटेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 28-29 अप्रैल को वुहान सम्मेलन से पहले चीन के अधिकारियों ने मोदी को लोकप्रिय नेता करार दिया था। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।